कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा 17,000 के करीब पहुंचा। अब तक 5,66,000 से ज्यादा मरीज। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 के तहत नए दिशा निर्देश जारी किए। स्कूल, कॉलेज, जिम, मेट्रो समेत कई सेवाओं पर 31 जुलाई तक रोक बरकरार। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू। टिकटॉक, यूसी ब्राउजर और कैम स्कैनर समेत 59 मोबाइल एप्लीकेशन प्रतिबंधित। हजारों युवाओं पर नौकरी जाने का खतरा बढ़ा। संदेसरा घोटाला मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद अहमद पटेल से पूछताछ के लिए ईडी की टीम उनके घर पहुंची। असम में बाढ़ प्रभावितों की तादाद 13 लाख के पार हुई और मौत का आंकड़ा 22 हुआ। 12 लाख जानवर भी बाढ़ का शिकार हुए। विशाखापट्टनम में सिनन लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में गैस लीक, 2 मजदूरों की मौत और कई जख्मी। प्रशासन ने कहा हालात काबू में। तुतिकोरिन पुलिस हिरासत में 2 लोगों की मौत से राज्य में उबाल। जगह जगह प्रदर्शनों के बीच सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपी। नागरिकता कानून विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लेने पर कांग्रेस की माइनॉरिटी सेल के यूपी अध्यक्ष शाहनवाज आलम की गंभीर धाराओं के तहत गिरफ्तारी। हजरतगंज में देर रात कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की दिशा में आगे बढ़ा चीन। जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने हांगकांग को रक्षा उपकरण और संवेदनशील तकनीकों के निर्यात पर रोक लगाई। और कोरोना वायरस के स्रोत का पता लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों की एक टीम अगले हफ्ते चीन जाएगी।